अभी अभी की बड़ी खबर आ रही है लोकसभा चुनाव 2019 से जुड़ी हुई, जहां पर दोस्तों सन्नी देओल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जहां पर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद सन्नी देओल को गुरदासपुर से टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतार दिया है। वहीं पर दूसरी ओर बीजेपी के दो दिग्गज नेताओं ने सीधे तौर पर सन्नी देओल का बड़ा विरोध करते हुए दोस्तों गुरदासपुर में भारतीय जनता पार्टी और सन्नी देओल के जीत पर ग्रहण लगा दिए हैं। आखिर क्या है पूरी खबर, हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। लेकिन अगर आप भी 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बड़ा परिवर्तन होते हुए पूरे देश के चप्पे चप्पे में देखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी को दबाना बेहद जरूरी है। दरअसल दोस्तों टिकट ना मिलने से खफा बीजेपी के दो दिग्गज नेताओं ने सन्नी देओल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और गुरदासपुर में भारतीय जनता पार्टी कमजोर होती हुई नजर आ रही है। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए बॉलीवुड के अभिनेता सन्नी देओल 29 अप्रैल को पंजाब के गुरदासपुर संसदीय क्षेत्र से नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन उसी दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई दो स्थानीय बीजेपी नेताओं ने बगावत कर दिया है। इसी के साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि दिवंगत बॉलीवुड के अभिनेता की पत्नी कविता खन्ना और बीजेपी के नेता सवर्ण सलारिया ने गुरदासपुर के अंदर अभिनेता सन्नी देओल को टिकट दिए जाने से नाराजगी दर्ज करा दी है। टिकट नहीं मिलने से नाराज हो गई है कविता खन्ना। गुरदासपुर से 4 बार के सांसद रहे विनोद खन्ना की पत्नी कविता खन्ना टिकट नहीं दिए जाने से भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। उन्होंने शनिवार को यानी आज दिल्ली में 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें 2019 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गुरदासपुर की सीट से जबरदस्त तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही है। दोस्तों आपको बता दें कि विनोद खन्ना ने 1998, 1999, 2004 और 2014 के अंदर इस सीट का प्रतिनिधित्व किया था। वहीं पर दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने गुरदासपुर में हुए उपचुनाव भी जीत लिए थे, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी जहां पर एक और गुरदासपुर की सीट पर मजबूत है, वहीं पर दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी को दो बगावत सीधे तौर पर देखे जा रहे हैं। इसी के साथ विनोद खन्ना की मृत्यु के बाद 2017 में हुए गुरदासपुर के लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी ने टिकट पर जिन्हें चुनाव लड़वाया था उनका नाम है सवर्ण सलारिया, जो सन्नी देओल को गुरदासपुर से टिकट दिए जाने को लेकर नाराज हैं और बगावती तेवर अपना चुके हैं। सलारिया ने शनिवार को कहा कि मैं भी एक बड़ा ऐलान करूंगा। ऐसे में दोस्तों सीधे तौर पर दो बड़े दिग्गज नेताओं के ऐलान से भारतीय जनता पार्टी बैकफुट नजर आ रही है और सीधे तौर पर सन्नी देओल के लिए गुरदासपुर की सीट मुश्किलें खड़ी करते हुए नजर आ रहा है। एक और बेहद बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर कैप्टन अरविंदर सिंह ने बड़ा बयान देते हुए सन्नी देओल को अपने निशाने पर लिया है और कहा है कि सन्नी देओल फिल्मी किरदार के तौर पर फौजी बनते हैं, लेकिन वो खुद अपने आप में एक असली फौजी है और उन्होंने देश के लिए लड़ाइयां लड़ी है। कैप्टन अरविंदर सिंह ने सन्नी देओल पर जबरदस्त निशाना साधते हुए कहा कि वो फिल्मी फौजी है और मैं एक असली फौजी हूँ। यानी दोस्तों सीधे तौर पर सन्नी देओल की मुश्किलें बढ़ती हुई कांग्रेस पार्टी गुरदासपुर के लोकसभा सीट पर नजर आ रही है। हम आपको बता दें कि वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में रही इस सीट पर बीजेपी के लिए जहां पर एक और मुश्किलें बढ़ गई है, वहीं पर उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के जीतने के बाद से अरविंदर सिंह की लोकप्रियता लगातार गुरदासपुर की जनता के बीच भी बढ़ रही है। पंजाब के कैप्टन अरविंदर सिंह ने अभिनेता और भारतीय जनता पार्टी के नेता सन्नी देओल पर जबरदस्त निशाना साधा है। गुरदासपुर से अभिनेता सन्नी देओल को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद राज्य के सीएम कैप्टन अरविंदर सिंह ने उन्हें फिल्मी फौजी करार दे दिया है। बीजेपी की ओर से सन्नी देओल को गुरदासपुर के अंदर प्रत्याशी बनाए जाने के बाद कैप्टन ने शुक्रवार को जबरदस्त तरीके से मीडिया को संबोधित करते हुए सन्नी देओल को अपने निशाने पर लिया है और कहा है कि हमारे वर्तमान के सांसद सुनील जाखड़ चुनाव हर हाल में जीतेंगे। उन्होंने बता दिया कि जाखड़ ने गुरदासपुर के वर्तमान सांसद हैं और जबरदस्त तरीके से उन्होंने काम किया है, ऐसे में जनता उनके काम को पसंद करेगी और सन्नी देओल एक बॉलीवुड के फौजी है जिनको जनता रिजेक्ट कर देगी। ऐसे में दोस्तों सन्नी देओल के खिलाफ जहां पर एक और कांग्रेस पार्टी ने दिग्गज नेता सुनील जाखड़ को उतार रखा है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी में दो दिग्गज नेताओं के बगावत के बाद सन्नी देओल की गुरदासपुर की सीट पर जीत बेहद ही मुश्किल होती हुई नजर आ रही है। एक और बेहद बड़ी खबर, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी की रैली में मुकेश अंबानी के बेटे के देखे जाने के बाद अब लगातार सियासत गर्म होती हुई नजर आ रही है और समर्थन के सवाल पर जबरदस्त तरीके से दोस्तों भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है। हम आपको बता दें कि शुक्रवार को एक आम जनसभा को संबोधित करते हुए मुंबई में एक रैली करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, जिस सभा में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक मौजूद थे। इस बीच रिलायंस समूह के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी भी चुनावी रैली में श्रोता के रूप में बैठे हुए दिखाई दिए। लोकसभा चुनाव 2019 के अंदर अलग अलग तस्वीरें मिल रही हैं, कहीं पर चाचा भतीजा आपस में लड़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं पर दूसरी ओर मुकेश अंबानी के कांग्रेस पार्टी के नेता को समर्थन देने के बाद मुकेश अंबानी के बेटे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में जाने के बाद सियासत और ज्यादा गर्म होती हुई नजर आ रही है। एक और बेहद बड़ी खबर, जहां पर राज ठाकरे ने साधा मोदी पर निशाना, कह दी बड़ी बात। एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे ने लोकसभा चुनाव 2019 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए शुक्रवार को अपील करते हुए सरकार अपने वादे को पूरा करने में नाकाम रही है। राज ठाकरे ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और एनडीए सरकार पर जबरदस्त निशाना साधते हुए कहा कि 15 लाख रुपए आपको डालने थे हमारे खाते में, 2 करोड़ रोजगार देने थे, लेकिन आपकी रोजगार और पैसा देने वाली नीति पूरी तरह से विफल हो गई है और कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर नजर दूर दूर तक नहीं आ रही है। यहां एक रैली को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के मुख्य अमित शाह पर जबरदस्त निशाना साधा है और सशस्त्र बलों के जवानों के नाम पर वोट मांगने का बड़ा आरोप लगा दिया है। राज ठाकरे ने जनसमूह के अंदर एक महिला का वीडियो क्लिप भी जारी किया है, जिस पर वह जल स्तर घट जाने के कारण पानी निकालने के लिए कुएं के अंदर जाती हुई दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र की
की मौजूदा सरकारें सूखे से पीड़ित लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाई है और उनकी परेशानियां जस के तस बनी हुई है। एक और बेहद बड़ी खबर, जहां पर दोस्तों आज चौथे चरण के चुनाव के प्रचार का अंतिम दिन है और 9 राज्यों की 71 सीटों पर आज से चुनाव प्रचार थम जाएगा। दरअसल दोस्तों 29 तारीख को वोट डाले जाएंगे और चौथे चरण के अंदर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की 70 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं और राजस्थान में भी कई सीटों पर चुनाव है। ऐसे में दोस्तों महाराष्ट्र के 17, उत्तर प्रदेश की 13, राजस्थान की 13 सीटों पर वोट डालने हैं। यानी सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इन सभी सीटों पर चुनाव जीतना सबसे कठिन चुनौती है। हम आपको बता दें कि सपा बसपा गठबंधन बनने के बाद जहां पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बैकफुट नजर आ रही है, वहीं पर दूसरी ओर राजस्थान में गहलोत की सरकार बनने के बाद कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त तरीके से बाउंस बैक किया है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर एनसीपी और कांग्रेस के बीच में जबरदस्त समन्वय का नतीजा ये है कि कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन जमीनी स्तर पर बेहद ही ताकतवर नजर आ रहा है। हमने आपको पल पल की ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के तहत बेहद बड़ी खबरों से रूबरू कराई है। एक और बेहद बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर दोस्तों लोकसभा चुनाव 2019 के अंदर गौतम गंभीर के खिलाफ 2 वोटर कार्ड रखने को लेकर आपराधिक शिकायत दर्ज हो गई है। आम आदमी पार्टी की पूर्वी दिल्ली की उम्मीदवार आतिशी ने भारतीय जनता पार्टी के इसी सीट उम्मीदवार गौतम गंभीर के खिलाफ 2 वोटर आईडी कार्ड रखने का एक आपराधिक मामला दर्ज कराया है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि मैं पूर्वी दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गौतम गंभीर के खिलाफ दिल्ली के 2 अलग अलग क्षेत्रों से करोलबाग और राजेंद्र नगर से वोटर आईडी कार्ड रखने का आपराधिक मामला दर्ज कराती हूँ। यानी दोस्तों इस शिकायत में 30,000 कोर्ट में 155(2) के तहत मुकदमा दायर करा गया है, जिसमें मामले में पुलिस जांच की मांग की गई है। उन्होंने मीडिया से कहा है कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 की धारा 17 के तहत किसी व्यक्ति को 2 जगह से वोट देने का अधिकार नहीं है। यह धारा 31 के तहत व्यक्ति को 2 जगह से मतदाता सूची में नाम दर्ज कराता है तो उसे 1 साल तक की सजा हो सकती है। आतिशी ने यह भी कहा है कि गौतम गंभीर ने नामांकन के समय रिटर्निंग ऑफिसर को सौंपे गए हलफनामे में यह भी केवल विधानसभा क्षेत्र राजेंद्र नगर 39 भाग संख्या 43 सीरियल नंबर 285 वोटर आईडी कार्ड होने की जानकारी दी है, जबकि दूसरे वोटर आईडी कार्ड की जानकारी नहीं दी है, जो पूरी तरह से एक आपराधिक मामला बनता है। ऐसे में देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन और प्रशासन इस पर किस तरह के निर्णय लेता है। एक और बेहद बड़ी खबर, जहां पर बाबा रामदेव को साध्वी प्रज्ञा अब राष्ट्रवादी महिला नजर आने लगी है। दरअसल दोस्तों इतने दिनों अपने आप को राजनीति से दूर बताने वाले बाबा रामदेव और आखिरकार फिर से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आते हुए नजर आ रहे हैं और रैली नामांकन में नजर आते हैं। इसके बाद सीधे तौर पर माना जा सकता है कि बाबा रामदेव का अपने आप को न्यूट्रल बताना पूरी तरह से गलत है और दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आ रहे हैं। एक और बेहद बड़ी खबर, जहां पर मोदी को कंकड़ भरे रसगुल्ले खिला देंगी ममता बनर्जी, बड़ा बयान देते हुए बंगाल की मुख्यमंत्री नजर आई है। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि प्रधानमंत्री के तौर पर भी उनको ममता बनर्जी मिठाइयां और कुर्ता भेजती हैं, जिस पर जबरदस्त निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने मोदी को कंकड़ भरे रसगुल्ले खिलाने की बात कह दी है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग में शिकायत भी की है। दोस्तों इससे जुड़ी हुई पल पल की अपडेट निकलकर सामने आएगी, उससे हम आपको रूबरू कराएंगे। एक और बेहद बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी ने केजरीवाल पर 2013 के अंदर 3 पहचान पत्र रखने का आरोप लगाया था, जो पूरी तरह से बाद में फर्जी साबित हुआ था। एक और बेहद बड़ी खबर, जहां पर नोटबंदी जीएसटी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएगा न्याय योजना। राहुल गांधी ने एक बार फिर से न्याय योजना का बखान करते हुए साफ कर दिया है कि लोकसभा चुनाव के अंदर उनका सबसे बड़ा मुद्दा न्याय योजना है, जहां पर 72,000 रुपए प्रति व्यक्ति हर एक गरीब को 1 साल के अंदर दिया जाएगा। इसका सीधा मतलब यह है कि गरीबों से जुड़े मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी अब अपनी राय रखती हुई नजर आ रही है और मुद्दे को गरीबों के इर्द गिर्द घुमाती हुई नजर आ रही है, जहां पर दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुद्दे से भटकाते हुए सेना के नाम पर वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने मुद्दों को एक बार फिर से जगाने के लिए न्याय स्कीम लेकर आई है और लगातार मुद्दों को चुनाव में सामने रखने की कोशिश करते हुए कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। एक और बेहद बड़ी खबर, जहां पर गठबंधन टूटेगा, एक हिस्सा कांग्रेस में आएगा। प्रमोद तिवारी ने बड़ा बयान दे दिया है, 23 मई को सपा बसपा का गठबंधन टूटेगा, इसमें एक हिस्सा अलग हो जाएगा, दूसरा कांग्रेस पार्टी के हिस्से में आ जाएगा। यह बात शुक्रवार को कांग्रेस के प्रत्याशी प्रीतम सिंह के समर्थन में पुराना तहसील के अंदर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और सांसद प्रमोद कुमार तिवारी ने दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सपा बसपा का गठबंधन का एक पूरा धड़ा उनके साथ आ जाएगा। यानी दोस्तों इशारों से उन्होंने संकेत दे दिए हैं कि सपा एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी का गठबंधन कर सकती है। हम आपको बता दें कि लगातार भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के बीच में उत्तर प्रदेश का करार मुकाबला चल रहा है। ऐसे में 2019 के लोकसभा चुनाव में किसको कितनी सीटें मिलेगी, हम आपको पल पल की अपडेट के तहत रूबरू कराते रहेंगे। सारी बड़ी खबरों से हम आपको जानकारियां देते रहेंगे। एक और बेहद बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर दोस्तों टिकट न मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता नाराज हो गए हैं और सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी से बगावत करते हुए नजर आ रहे हैं। बल्कि ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के तहत आपके सामने बड़ी खबरें लेकर आए थे। आपको खबरें कैसी लगी, बटन दबाइए, चैनल सब्सक्राइब करिए और घंटी का दबाना तो बेहद ही जरूरी है। दोस्तों आप सभी का जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आप हमें बता सकते हैं कि लोकसभा इलेक्शन के अंदर आप किस तरह के बदलाव खबरों में देखना चाहते हैं। जुड़े रहने के लिए दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे चैनल, जय हिंद।